गया हजरत उमर का, मैं सुनाती हूँ तुम्हें। आ गया हजरत उमर का, मैं सुनाती हूँ तुम्हें। कैसे वो ईमान लाए थे बताती हूँ तुम्हें। कैसे वो ईमान लाए थे बताती हूँ तुम्हें। वा गया हजरत उमर का, मैं सुनाती हूँ तुम्हें। आ गया हजरत उमर का, मैं सुनाती हूँ तुम्हें। कैसे वो ईमान लाए थे बताती हूँ तुम्हें। कैसे वो ईमान लाए थे बताती हूँ तुम्हें। कैसे वो ईमान लाए थे बताती हूँ तुम्हें। हकीमत वालों में जब हमजा भी शामिल देख कर ये हाल, पर हम अहले बातिल हो गए। बूजहल बोला ये दीन हक जो बढ़ता जाएगा, लतुजा का पुजारी कौन फिर कहलाएगा। कोई बोला तभी हक का जोर कम हो जाएगा। इब्ने अब्दुल्लाह का जब सर कलम हो जाएगा, सुनते ही ये बात गुस्से में उमर आगे बढ़े। बोले उज़्ज़ा की कसम, खाना नहीं खाऊंगा मैं, सर मोहम्मद का न जब तक काट कराऊंगा मैं। नईम उनसे मिले, देख कर गुस्से में पूछा क्या इरादा है उमर। ये उमर बोले चला हूँ काटने अहमद का सर। फिर नईम उनसे ये बोले लो खबर कुछ घर की भी है, मुसलमान खुद तुम्हारे बहन और बहनोई भी। घर बहन के पहुँचे गुस्से में उमर ये सुनते ही, जब सुना कुरान उमर ने और बदिल हो गए। मुश्तहिद होकर बहन के घर में दाखिल हो गए। मजहब अपना बदला है ये मुझको है खबर, ये कहा गुस्से में और दोनों को मारा इस कदर। छल्ली जख्मों से बदन था, खून से था जिस्म तर। ये बहन बोली तू चाहे हमको मारे जान से, जीते जी हम फिर नहीं सकते कभी ईमान से। उनका दिल थर्रा गया ये जोश ईमान देख कर। घर के इबरत हो के हम शीरा से बोले उमर, तुम जो कुछ भी पढ़ती थी वो आयत लाओ तो सही। क्या तुम्हारा दीन है मुझको बताओ तो सही। ये बहन बोली करो
गुस्ल करके आया ते कुरआन उमर ने पढ़ी, हो गए बेखुद वो ऐसी मस्तीए वहदत चढ़ी। वो असर कुरान का हर लफ्ज दिल पर कर गया, जुल्मते बातिल मिटी दिल नूरे हक से भर गया। फिर उसी आलम में पहुंचे शाहे बतहा तक उमर, और गिरे पाए नबी पर बा अदब बा चश्म तर। पढ़ लिया तौहीद का कलमा और मुसलमा हो गए, शाहे बतहा पर उमर फारूक कुर्बा हो गए।